मैं अभी इस घर से नहीं निकल सकती। अगर मैं इस वक्त यहां से निकली तो मुराद मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगा, और मैं किसी सूरत भी अपना बच्चा मुराद के हवाले नहीं कर सकती। तुम किसी काबिल वकील से पूछो कि अगर बच्चे की कस्टडी माँ को देनी हो तो उसके लिए क्या शरायत है। मैं मुराद से खुला लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को लेकर मुराद से बहुत दूर चली जाऊं और किसी तरह इन बच्चों की प्रॉपर्टी को भी बचा लूं। प्यारी नूर, क्या हो गया? रो रो के तुमने बुरा हाल कर लिया अपना। इतना रोने से क्या होगा नूर? तुम मेहरू खाला पे शक कर रही हो, वो बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। उनकी अपनी औलाद हो गई है ना, इसलिए अब नूर उनके लिए कुछ भी नहीं रही। जो भी मसला हो नूर, भूख हड़ताल इस मसले का हल नहीं है। मेहरान भाई नाराज होंगे। हाँ, मेहरान ने तो इस खानदान का ठेका ले रखा है। कभी एक के आंसू पहुंचे, कभी दूसरे के, दोनों मिलके ना मेरे बच्चे की खुशियों को आग लगाकर छोड़ेगी। शर्म नहीं आती है? घर से भाग कर आइए। बेशुमार दारुल अमान थे, इज्जतदार होती ना तो कहीं जाके रह लेती, यहां नहीं आके मरती। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? मेहरान भाई ने कहा तो है सिर्फ एक रात के लिए आई है नूर। और अयाज लाख मामूजात सही, लेकिन है तो ना महरम, उसके साथ थोड़ी रह सकती है। ओ बीबी, माफ कर दो मुझे। तुम और तुम्हारा भाई जितनी मेहमानदारी हो सकती ना करो तुम लोग। क्या हो गया अम्मी आपको? क्या कर रही हैं आप? तुम चुप रहो, जो नहीं समझती तो बीच में मत बोला करो। अरे नूर, नूर रुको, क्या हुआ? आप मुझे किसी दारुल अमान छोड़ा है। क्या बकवास है? चच्ची जान का हुक्म है। नूर, ये घर जितना सारा का है उतना ही तुम्हारा है, और यहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। सारा, अयाज को फोन करो और उसको बोलो फौरन यहाँ आए। जो बात मैंने नूर से करनी है उसके लिए अयाज का होना जरूरी है। अब जल्दी करो ना। अच्छा।